राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राधा कृष्ण से कहती हैं, तुमने मेरे लिए सबके लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं बस तुम्हें राधा प्रणाम करते हैं महादेव और देवी पार्वती को। और फिर महादेव कहते हैं, आप दोनों का स्वागत है, आप दोनों के कारण ही तो ये सब कुछ संभव हो पाया है। और फिर राधा कहती है, और नहीं तो क्या, यदि उसे कुछ हो जाता तो, यदि मेरा कृष्ण मुझे मिल ही नहीं पाता तो, हे ईश्वर, यदि आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, महादेव कहते हैं, देवी राधा, ये सब तो ठीक है, परंतु आपसे एक विनती है, आप प्रत्येक वाक्य में मेरे कृष्ण मत कहिए ना, मुझे थोड़ा बुरा लगता है। और कहते हैं महादेव आगे, मेरे भी तो आराध्य हैं, मेरा भी तो अधिकार है ना उन पर। और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे होते हैं और महादेव कहते हैं, क्यों गौरी। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, उचित है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा चली जाती हैं वहां से। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं महादेव और देवी पार्वती से, मैं जाकर राधा से बात करता हूँ, आप दोनों भोज की ओर प्रस्थान कीजिए। और महादेव देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और देवी पार्वती कहती हैं महादेव से, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ राधा को पुनः कृष्ण से प्रेम करते देख। और फिर महादेव कहते हैं, हाँ गौरी, और अब तो राधा कृष्ण का प्रेम और अधिक गहन होने वाला है, ऐसा प्रेम जो इससे पहले ना तो किसी ने कभी देखा होगा ना उसके विषय में सुना होगा। और सभी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा नदी के किनारे बैठी होती हैं। और फिर तभी श्री कृष्ण राधा के समक्ष आते हैं और बैठ जाते हैं और श्री कृष्ण राधा को देख रहे होते हैं और राधा मुस्कुरा रही होती हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं राधा को देखते हुए, क्या बात है, अभी कुछ क्षण पूर्व मेरे कृष्ण को ये हो जाता तो, मेरे कृष्ण को वो हो जाता तो, यही धुन लगाई हुई थी तुमने, अब उसी कृष्ण के नेत्रों में देख नहीं पा रही हो। और फिर राधा उठती हैं और जाने लगती हैं, तभी श्री कृष्ण राधा को रोकते हैं, राधा का हाथ पकड़ के। और फिर राधा रुक जाती हैं और बैठ जाती हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं राधा से, अब तुम्हारे मन में जो भी भावनाएं हैं वो तुम्हें मुझे व्यक्त करनी होगी, मुझे जानना है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। और फिर राधा कहती है, कृष्ण, मैं जो आज अनुभव कर रही हूँ ये मैंने जीवन में कदापि अनुभव नहीं किया, ये कुछ अत्यंत ही दया भाव है। और फिर श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं अर्थार्थ। और फिर तभी राधा और श्री कृष्ण नदी में देखते हैं और तभी राधा कृष्ण को अपनी छवि अर्धनारीश्वर के रूप में दिख रही होती है। और फिर राधा कहती है, कृष्ण, ये जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है ना, जिसमें तुम और मैं एक हैं, इस रूप को आभास करने के पश्चात मुझे ये अनुभव हो रहा है कि जैसे जैसे मुझे तुमसे और अधिक जुड़ाव हो गया है। और फिर राधा आगे बताती है, अत्यंत प्रसन्न होके इतना अत्यंत प्रेम अनुभव हो रहा है कि भीतर समाने के लिए कोई सक्षम ही नहीं है, इसलिए ये बात मैंने देवी पार्वती और महादेव के समक्ष कह दी। जब हम इस स्वरूप में एक थे ना कृष्ण, तो तब हमें उन सब स्मृतियों का स्मरण आ गया, वो जीवन के प्रत्येक क्षण जब तुम्हारा प्रेम मेरे साथ था, और इतने समय के पश्चात भी तुम्हारा प्रेम केवल बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए आज मेरा मन कर रहा है कि मैं हमारे इस प्रेम का रस संपूर्ण संसार में मैं घोल दूं। और फिर तभी राधा कृष्ण को देख रही होती हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे तुम तो अपने इस प्रेम का रस समस्त द्वारिका में पहले ही घोल चुकी हो, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति इतना गहन है राधे, कि तुम्हारे बिना कुछ कहे समस्त द्वारिका को यह आभास हो जाता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। और फिर राधा कहती है श्री कृष्ण से, केवल द्वारिका ही नहीं श्री कृष्ण, समस्त संसार में हमारे प्रेम रस का अनुभव होना चाहिए, जैसे हमारा बंधन जन्मों जन्मांतर का है, वैसे ही हमारे इस प्रेम का रस जन्मों जन्मांतर तक इस संसार में घुला रहेगा ना। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं राधा से,
यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा अवश्य होगा। और फिर राधा कृष्ण साथ में बैठे होते हैं और राधा कहती हैं, धन्यवाद कृष्ण। और कहती हैं राधा, मैं केवल यही चाहती हूँ कि संसार जाने की राधा कृष्ण एक हैं और उनका प्रेम अनंत है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि द्वारिका में सभी लोग देवी की पूजा कर रहे होते हैं और राधा कृष्ण आरती उतार रहे होते हैं। और फिर राधा कृष्ण को देख रही होती हैं और प्रसन्न हो रही होती हैं और श्री कृष्ण भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और फिर राधा श्री कृष्ण को देखते हुए स्मरण करती हैं, कृष्ण आज से तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, क्योंकि मुझे ज्ञात है तुम जो भी करते हो मेरे भले के लिए ही करते हो। और फिर श्री कृष्ण स्मरण करते हैं, मेरी बस यही आशा है कि जो इच्छा तुमने मुझसे व्यक्त की है कि हमारी प्रेम कहानी को समस्त संसार जाने, वो भी मैं पूर्ण कर पाऊँ। और सभी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और बलराम दाऊ राधा कृष्ण को देख रहे होते हैं और अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ श्री कृष्ण को लेकर जाते हैं अपने साथ। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे इस प्रकार यहाँ पर क्यों लाया गया है? और फिर बलराम दाऊ कहते हैं श्री कृष्ण से, देखो कान्हा, सवेरे जब मैंने राधा के विचित्र व्यवहार करने वाली बात की किंतु तब तो तुमने मेरी बात टाल दी, किंतु जब अब मैंने जो देखा है उसके पश्चात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि राधा के साथ कुछ तो अवश्य ही विचित्र है। जिस प्रकार वो तुम्हें देख रही है, देखते ही उसे कुछ तो विचित्र अवश्य है। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं बलराम दाऊ को, बात सिर्फ ऐसी है कि राधा की इच्छा है कि हमारे इस प्रेम को इस संसार में सदा के लिए स्मरण किया जाए। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, हाँ तो इसमें समस्या क्या है? वैसे भी कृष्ण से पूर्व तो राधा का नाम लिया ही जाता है ना, और भविष्य में भी राधा का ही नाम लिया जाता रहेगा। जब भी कोई कान्हा के विषय में कोई लेखनी लिखेगा तो उसकी लेखनी में राधा का तो वर्णन अवश्य होगा ही ना, फिर समस्या हो कहाँ रही है? और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण बताते बलराम दाऊ को, ये बात उस भक्त की भक्ति पर निर्भर करती है कि किस कथा को किस प्रकार संसार में स्मरण किया जाएगा। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, अर्थार्थ मैं समझा नहीं कुछ। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, आप समझे नहीं हैं, देखिए खीर होती ना खीर, खीर जब आँच में लंबे समय तक पकती है तब उसका रस निकल आता है। उसी प्रकार किसी भी कथा का रस निकलने के लिए थोड़ा समय तो बीतेगा ना। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, ये क्या तुम खीर रस कहानी कह क्या रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है काना। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है ना, सोचिए कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है, सोचिए मैं बताऊं, क्योंकि अभी उचित समय नहीं आया है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य स्मरण कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, राहु मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल प्रदान कर रहा हूँ। और फिर स्मरण करके असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, कृष्ण ने मेरी सारी योजना विफल कर दी है, अब मुझे कृष्ण से प्रतिशोध लेने के लिए कोई बलशाली प्रतिद्वंदी ढूंढना होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण को आभास हो जाता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राधा कहती है, विजयदशमी के इस उत्सव में हवन की अंतिम विधि अभी शेष है। और कहती है महादेव देवी पार्वती से, मैं और कृष्ण आपके अत्यंत आभारी होंगे यदि आप इस हवन में विराजमान हुए तो। और फिर महादेव और देवी पार्वती कहती है, अवश्य सम्मिलित होंगे। और कहती है देवी पार्वती, किंतु इस हवन में अंतिम आहुति एक और जोड़े को देनी चाहिए, और वो जोड़ा है राधा कृष्ण। और कहती है देवी पार्वती, ताकि इस हवन में शुभता के साथ प्रेम का रस भी घुल जाए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा की सखियां आ जाती हैं और कहती हैं, राधा। और फिर सखियां राधा को और राधा सखियों को देखकर अपनी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं राधा अपनी सखियों से, तुम सभी को इतने समय के पश्चात देखकर मन प्रसन्न सा हो उठा है। और कहती हैं, राधा मुझे तो लगा था कि तुम सब तो आओगी ही नहीं, इतनी देर क्यों लगा दी? और तभी सखियां कहती हैं, ऐसे कैसे नहीं आते, तुमने हमें आमंत्रित जो किया था इतने समय के पश्चात, हमारा भी बहुत मन हो रहा था तुमसे, श्री कृष्ण से और बलराम दाऊ से मिलने का,
और फिर राधा कहती है, सभी परिजनों की उपस्थिति के साथ पूजा संपन्न हो गई है, और कहती है, वैसे समय के साथ साथ तुम सब भी अत्यंत सुंदर होती जा रही हो। और फिर सखियां कहती है, तुम तो हम सभी से श्रेष्ठ और सुंदर लग रही हो, क्या विशेष बात है, जरा हमें भी तो बताओ। और फिर राधा कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है। और फिर सखियां कहती है, मुझे पता है कि क्या विशेष बात है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।